हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कुकिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रेस्टोरेंट स्टाइल काजू पनीर बनाना सिखाऊंगी, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करने के लिए इन्हें मीडियम साइज में इस टाइप से काट लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हम मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इससे पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आधे घंटे हो गए हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम काजू फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 टेबल स्पून घी लेंगे। थोड़ा सा गर्म होने पर हम इसमें काजू रोस्ट करेंगे। हम काजू को सिर्फ 1 मिनट तक के लिए रोस्ट करेंगे। इनका हल्का सा कलर सुनहरा हो जाएगा तब तक। देखिए फ्रेंड्स, काजू हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम उसी पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें मैरिनेटेड पनीर डालेंगे। हमने इसे आधे घंटे तक के लिए मैरिनेट किया है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। इसे चलाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर मैरिनेट हो गया, फ्राई हो गया है। अब हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। अब हम पैन में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसे हम गरम करेंगे। 1 टेबल स्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी वाली इलायची और दालचीनी के 2 पीसेस। यहाँ पे हम 3 से 4 लौंग लेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज लेंगे। यहाँ पे हमने प्याज को बहुत ही बारीक काटा है और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। सुनहरा होने तक इसे हम इसी तरह चलाते रहेंगे। जब ये फ्राई अच्छे से कलर हो जाए, जब ये फ्राई हो जाएंगे, अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। आप रेड चिली पाउडर अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, हम तीखा खाते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून चाट मसाला भी डाल रही हूँ, उससे टेस्ट और अच्छा लगेगा। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे अच्छी तरह से चलाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टमाटरों को बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब इसमें से तेल अलग दिखने लगेगा, इसका मतलब ये पक चुका है। उसे हिलाते रहिए। इसे हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, इससे ये और जल्दी पकेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑयल अलग हो गया है। मतलब ये पक चुका है। अब हम यहाँ पे 4 टेबल स्पून कर्ड डालेंगे। को अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से हिला लीजिए।
ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आपको जितनी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें फ्राइड पनीर डालेंगे। इसमें हम मैरिड काजू भी डाल देंगे। इन्हें हम पांच से सात मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। हम थोड़ी देर और इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉईल आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक टेबल स्पून कसूरी मेथी को बिल्कुल बारीक अच्छे से हाथों से मसल लेंगे और हम इसमें सब्जी में डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट और अच्छा लगेगा। अब हम यहाँ पे फाइन चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे, हरा धनिया, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। देखिए फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट स्टाइल काजू पनीर बनके तैयार है। आप लोग इसे चपाती, पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो प्लीज़ इसे एक बार ट्राई कीजिए। थैंक यू मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब आप जल्दी से इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाली वीडियोज़ के लिए प्लीज़ टैप द बेल आइकॉन। थैंक यू।